Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are going to discuss today motion in a plane. जैसा कि आपको पता है कि motion in plane हम पिछले कुछ क्लास से डिस्कस कर रहे हैं. So this is a video lecture number 3. I hope you have already watched part 1, part 2 before watching this part 3. In this lecture we are going to discuss about relative velocity. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं. कुछ फेमस क्वेश्चंस भी हैं, रेन और कार्ट प्रॉब्लम, रेन और बाइसिकल प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे और किस तरह से समझेंगे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है जिसको हम बात कर रहे हैं. ऐसा हमने मोशन इन 1D में भी किया था कि अगर दो बॉडी चल रही है तो एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी क्या है. लेकिन वहां पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन था. यहाँ पे जरूरी नहीं है दोनों बॉडी या तो सेम डायरेक्शन में चल रही थी या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी. तो हमने उनका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वहां पे डेवलप किया था. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन हो, मोशन 2D का है तो ये प्लेन में कहीं भी हो सकता है. आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कि एक वेलोसिटी को कंसीडर करना जब दूसरी बॉडी रेस्ट में. तो रेस्ट में होने का, जैसे कि आप ऑब्जर्वर है तो आप रेस्ट में अपने आप को एज्यूम करके दूसरे की वेलोसिटी को कंसीडर करना. तो आपको कहा जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू यू, राइट ना. जैसे एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और उसको बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती दिख रही है, तो बस की स्पीड अपने रिस्पेक्ट में, बिकॉज वो ऑब्जर्वर है तो वो अपने रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व करता है ना. लेकिन वहीं आप खुद भी चल रहे हैं, किसी साइकिल पर चल रहे हैं या किसी गाड़ी पे आप भी चल रहे हैं और बस भी चल रही है, तब भी आपकी कही जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू यू ऑन बाइसिकल और यू ऑन कार और यू ऑन कार्ट एनीथिंग. इसी तरह से आप दोनों चल रहे हैं और कोई तीसरा आदमी आप दोनों को देख रहा है तो वो कहेगा रिलेटिव वेलोसिटी उसको बस और आप दोनों की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है, तो एक थर्ड ऑब्जर्वर है तो वो कहेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू यू एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर जो बाहर से कहीं से देख रहा है. तो इस तरीके का तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और इसका मतलब क्या है. तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और इसको वेक्टर फॉर्म के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और उसको आगे फिर हम बात करेंगे. तो रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहला जो टॉपिक की बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो उसमें भी दो तरह की बातें होंगी, एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की, एक डायरेक्शन कैलकुलेट करने की. तो हम अब बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी तो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी अकेले नहीं होगी. रिलेटिव का मतलब ही है कम से कम दो इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर टू बॉडीज मूविंग विथ वेलोसिटी वेलोसिटी A, B, A, velocity of A and velocity of B respectively, then a relative velocity of A, relative velocity of A is the velocity as relative velocity with respect to B, ऐसे लिखेंगे, with respect to B to B is a velocity which is observed by A, which is observed by B keeping B is in rest, is in
रेस्ट, कीपिंग बी इज इन रेस्ट, बी को रेस्ट में समझते हुए उसकी वेलोसिटी। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और एंड डिफाइंड एज velocity of A with respect to B is a velocity of A minus velocity of B. Why? क्योंकि B को rest में रखने के लिए जितने speed से वो जा रहा है उतना negative speed अगर लगाएंगे तब वो जाके rest में होगा। इसलिए velocity of A with respect to B is defined as velocity of the A with respect to minus velocity of B. ऐसा क्यों होता है? वेक्टर रेडिएशन में थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को। ऐसा तभी कहीं भी होता है कि आप यहाँ पे ये देखिए कोई एक वेक्टर लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं कहीं पर भी, और ये देखिए मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। आप कहीं पर भी दो वेक्टर अगर लिखते हैं, दो वेक्टर आप लिखे, मान लीजिए एक वेक्टर आपने लिखी ऐसे, ये कोई एक वेक्टर है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ठीक है, कॉमन सेंस है, और एक दूसरा वेक्टर भी लेते हैं, ये भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ये पी और क्यू दो वेक्टर हैं, और इसमें हमें देखना है कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं चाहे ए और बी। तो ये ए नाम दे दिया इसका, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो इसको कहेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। अब ए से बी तक अगर कोई पोजीशन वेक्टर हमें निकालनी हो वेक्टर एडिशन से तो क्या होगा बताएं? यहां से ये हेड टेल सिस्टम में है ना, ये वेक्टर हेड टेल सिस्टम में है, और हेड टेल सिस्टम में होने की वजह से ये वेक्टर हेड टेल सिस्टम में है। इसके देखिए इसके हेड पे इसका टेल है, तो हम क्या कहेंगे वेक्टर रेडिएशन में, इतना तो आपने पढ़ा है, वेक्टर रेडिएशन में हम कहेंगे कि OA plus AB है ना, OA plus AB is equal to OB by वेक्टर रेडिएशन होता है, by वेक्टर रेडिएशन होता है, ये समझने के लिए है। चाहे इधर लिख देता हूँ, ये इसका बैरियर कर देते हैं तो समझने के लिए है, इसका पोर्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं, हाँ, ये देखिए बाय वेक्टर रेडिएशन क्या होता है, बाय वेक्टर रेडिएशन एडिशन कह सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी है ना, हेड टेल सिस्टम, देखिए इसके हेड पे इसका टेल है, टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं वही क्या होता है बताया हुआ है बात। तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर अगर ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना, ओ बी माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ओ बी माइनस ओ ए, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम बी ए लिखेंगे तो हमें लिखना होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरीके से। तो आप कहीं पर भी वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ये किस तरह का है, ये है पोजिशन वेक्टर, अगर हम इसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये अंडरस्टूड बात है, चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें, लेकिन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो सकता है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए,
और यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और यहाँ पे भी लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखिए समझने के लिए सर, समझने के लिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कट गए, तो क्या बच गया आपके पास, सॉरी ये दोनों कट गए तो आपके पास बच गया ये वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, बच गया ना वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही है, यानी बाद वाला माइनस पहले वाला। देखिए ध्यान से, ये दोनों चीजें सेम है, ये है हम जब ए बी लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ बाद वाला बी का पहले माइनस ए का बाद में, है ना, बी का पहले और ए का बाद में। तो वैसे ही यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी यदि कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी बाद वाला माइनस पहले वाला, इसी को वहां पे हमने ऐसे लिखा है क्योंकि उसमें अंडरस्टूड फैक्ट क्या है, ग्राउंड है ये चीज, और इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हिडन बात है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसलिए चूंकि यहां पर भी उसी पैटर्न पे लिखा है, देखिए वेलोसिटी ऑफ बाद वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ पहले वाला, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पहले वाला, यहाँ भी पोजिशन वेक्टर ऑफ ग्राउंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, और ये कैंसिल होकर के आ गया वी बी माइनस ये। तो हकीकत में ये ऐसा है, अंदर की बात ये है कि इसी पैटर्न के आधार पर ये आया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करके बच्चों को समझने के लिए हम कह देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब करना हो तो हम कह देते हैं बच्चों को कि लिखो वेलोसिटी ऑफ ए, और जिसका रिस्पेक्ट में है उसको निगेटिव कर दो। ये इस तरह से भी याद रखने से काम चल जाएगा, और इस तरह से बच्चों को याद रखने के लिए कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है आपको तो हम कह देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका निगेटिव, बट मैकेनिज्म ये है, ठीक है ना, जो हमने बता दिया आपको। अब ये भी कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी है। सिमिलरली अगर ये कहें, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हो, विद रिस्पेक्ट टू ए इट मीन्स इज डिनोटेड बाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के, तो हम ए को माइनस कर देंगे। अब ऐसा मोशन इन टू डी में करें, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और कि अगर दोनों दो डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक वेलोसिटी है बी का और एक वेलोसिटी है ए का, और दोनों दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक बी जो है एक ऑब्जर्वर है इंडिपेंडेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ए, ए जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और बी जा रहा है ये वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन मान लीजिए, है ना। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आपको हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ाया है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता, बल्कि एडिशन होता है, इंडीड हम एक पॉजिटिव वेक्टर और एक निगेटिव वेक्टर का एडिशन कर देते हैं। तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर माइनस बी किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर इज व्हाट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसलिए ये यहाँ पे वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया माइनस बी, जितना उधर है उतना ही इधर होगा, ये हो गया माइनस बी। अब इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम करने के लिए आपने क्या सीखा है, पैरेललोग्राम लॉ सीखा है जी, कि इसको हम इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर अगर है राइट एंगल पे हैं
तो इनका पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका निकाल देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकाल सकते हैं, और दोनों निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से इसलिए निकलेगा, राइट एंगल में है तो राइट एंगल में जब हो तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इसका डायगनल जो होता है वही रिजल्टेंट देता है। ये देखिए ये डायगनल हो गया जो रिजल्टेंट देगा, तो डायगनल जो होगा ये रिजल्टेंट देगा, यानी दैट विल बी बेसिकली ये जो होगा ये होगा वी ए बी, ये वेलोसिटी देगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी, इसका मतलब ये हुआ। और ये कैसे निकलेगा, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये वी बी है, ये माइनस वी बी है, ये भी माइनस वी बी ही होगा इनफैक्ट, है ना, ये भी माइनस वी बी होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब ये निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल निकाल देंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर। ऐसा समझ लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस है लेकिन उसका स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो या प्लस हो, तो इससे निकल जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब डायरेक्शन निकालना है तो कितना होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है के साथ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दैट दिस विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय क्या होगा, तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वी बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए, ये होगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इससे निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए, इससे निकल जाएगा डायरेक्शन। तो ये दो बातें हो गई, इसी बात को हम इसी तरीके से अगर हमें निकालना होता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, अगर हमें निकालना होता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम ए को निगेटिव करते यानी इधर हो जाता, ठीक है ना, तो इधर हो जाता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक बात समझने वाली हो गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वी ए माइनस वी बी। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ, थोड़ा समझने के लिए टाइम लग रहा है बट कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये है, अभी हमने सीखा था कि क्या था, इसमें एक वेलोसिटी जो है ए का और बी का, ये वेलोसिटी ऑफ ए था, ये वेलोसिटी ऑफ बी था, तो हम यहां पर भी वही करते हैं, ध्यान से देखिए, ये है वेलोसिटी ऑफ ए और इधर है वेलोसिटी ऑफ बी, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा, मैग्नीट्यूड यहां तक है, ठीक है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड यहां तक है, ठीक है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी बी माइनस वी है जैसा कि हमने बताया हुआ है। अब इसी बात को थोड़ा और बेहतर करें तो हमें यहाँ ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ए को निगेटिव करना है, तो ए को निगेटिव करना है मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ऑफ ए क्रिएट होगा, ध्यान से समझो, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए क्रिएट हो गया है और ये हो गया माइनस वी ए। अब हमें वी ए और इस माइनस वी बी दो वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर वही पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, है ना, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, मतलब क्या है, यहां पर भी
देखिए यहां पर भी क्या होगा कि ये निकाल देते हैं थोड़ा सा। और ये पैरेललोग्राम लो। तो देखिए ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कि दोनों ही चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ ये है। और ये पैरेललोग्राम लॉ में ये हो गया, ये भी है और ये भी। अब यहां पर क्या होगा कि ये अगर भी है तो ये भी होगा, है ना। मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है तो ये भी क्या होगा, ये अगर भी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हो गया। और इसका डायगोनल जो होगा दोनों का वो क्या देगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो गया इसका, दैट विल बी व्हाट, वी बी ए। तो वी बी ए इस डायरेक्शन में होगा, वी ए बी इस डायरेक्शन में था, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम थे, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट थे, है ना। तो ये इसका हो गया, ये मैग्नीट्यूड इधर की तरफ, तो ये इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड देगा। और वी बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, वी ए बी का अपोजिट। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहां से, ये मान ले कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये टैन थीटा क्या होगा इसके हिसाब से, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी उतना ही होगा क्या, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया माइनस वी बी ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वी बी बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, दैट इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी ए स्क्वायर। यानी सिंपली इसको हम कह सकते हैं वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, ये हो गया। तो दैट विल गिव मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड दे दिया रिलेटिव वेलोसिटी का, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन इज गिवन बाय व्हाट। तो ये होगा टैन थीटा इज इक्वल टू वी बी बाय वी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, अब ये हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी बी बाय का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा। तो एंगल दोनों का सेम था, यहां पर भी अगर हम उसको बनाते तो ये एंगल क्या होता, सेम होता, दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते, क्योंकि इधर बन रहा था ये ऐसे बन रहा था और यहां पर ये लाइन ऐसे थी, है ना। तो ये चीज थी। तो ये वी बी ए था, ये था वी ए बी का डायरेक्शन, ये था वी बी बी का डायरेक्शन, यहां पे जो एंगल थीटा बन रहा था, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कह सकते हैं कि वी ए बी इज माइनस ऑफ वी बी ए, दोनों के दो वेक्टर है, वेक्टर वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि वी ए बी का मतलब हो गया क्या, वी ए माइनस वी बी, और इसी को अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। और ये क्या था बताइए, ये था वी बी ए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी एक लॉजिकल प्रूफ है जो आपको दोनों तरीके से हम बता रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी और ऐसे भी। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ए का बी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा। तो यहाँ पे आई और जे का कंसेप्ट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, अगर डायरेक्शन के साथ लिखे तो इधर आई होता है इधर जे होता है, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, वी आई, वेलोसिटी ऑफ ए इज इन वेक्टर फॉर्म इज वी ए आई और वी बी जे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए आई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वी ए माइनस आई, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस आई, ये हो जाएगा वी बी जे। तो वी बी ए क्या हो जाएगा, तो माइनस वी बी ए आई प्लस वी बी जे, ये दोनों हो जाएंगे। और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं,
आई के कंपोनेंट और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा, हालांकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ भी आया है वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, यहाँ भी आया है वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, दैट इज सिंपली वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए बोथ आर सेम, ठीक है ना, डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए, ये सेम होता है, ठीक है। डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है, वो आप देख भी चुके हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल के, और न्यूमेरिकल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। रेल वाली प्रॉब्लम जो एक होती है उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड वुमेन राइड्स ए बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इस टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच सी शुड होल्ड एन अम्ब्रेला। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप पहले डायरेक्शन सेंस समझिए, ये डायरेक्शन सेंस है ना, तो ये आपको पता है पहले से कि इसको हम कहते हैं क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं, इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ, इस डायरेक्शन को कहते हैं साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन हो गया, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नॉर्थ लिखा साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ओके। नाउ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वुमेन किधर जा रही है, वुमेन जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में वुमेन जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी यहां से इधर की तरफ। अगर इसको ओरिजिन मान ले तो ओरिजिन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये हो गया डायरेक्शन। तो वुमेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इधर की ओर जा रही है वुमेन, वुमेन जा रही है इधर की ओर, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट इधर की ओर, और रेन जो फॉल हो रहा है ये वर्टिकली हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन हम इधर मान लें, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है और वेलोसिटी ऑफ जो फॉल हो रहा है वो वर्टिकली है, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे ऊपर से ऊपर से, अब इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर वो लाइन खींच नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जहां से रेन फॉल हो रही है, और ये रेन जो फॉल हो रही है वो इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर। और जो बाइसिकलिस्ट बाइसिकल से चलने वाली लेडी है वो इस तरह से चल रही है, वुमेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हम मान लेते हैं कि कहां से कहां तक, तो ईस्ट से वेस्ट, यही है ना, तो ये है ईस्ट से वेस्ट की ओर ये जा रही है, इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 40 है इनकी स्पीड, ठीक है, इनकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, दो तीन तरीके से हम बता देंगे आप जहां से समझ में आए, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, ये चीज है, लिख नहीं रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अंडरस्टूड चीज है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा हमने कर दिया, अब इनके हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, यानी ऐसा जैसा वुमेन को अपीयर हो, यानी हमें निकालना है, वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वी वांट टू फाइंड हियर, वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, ये मिटाने वाला इरेजर है, थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ, क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू
वुमेन, निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, ये निकालना है इज व्हाट। तो हम क्या करेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ये निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इसी को हम ये भी कह रहे थे पहले से कि वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ वुमेन निगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन इधर पॉजिटिव है तो इधर की ओर क्या होगा, दूसरी तरफ होगा ये निगेटिव डायरेक्शन में, उतना ही बड़ा वेलोसिटी दूसरी तरफ हम निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, और निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे तो ऐसा होगा, ये इधर की ओर होगा, है ना। तो ये इधर की ओर। अब ये जो हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ ये रेन जो है उतना ही बड़ा इस डायरेक्शन में हमने निकाला, ये हो गया क्या वेलोसिटी ऑफ रेन वुमेन, ये वेलोसिटी का निगेटिव डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन, जो किस डायरेक्शन आ रही थी इसका निगेटिव ये होगा, और इन दोनों को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला जो सीखा था उसी फॉर्मूले के हिसाब से कि ये जो होगा ये पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, है ना, और पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो इससे रिजल्टेंट निकल जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से क्या होता है, इसका डायगनल जो होता है वही देता है क्या इसका रिजल्टेंट। लेकिन अब डायगनल कैसा होगा, ध्यान से देखिए, ये डायगनल होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के फॉर्म में नहीं है, हेड टेल सिस्टम के फॉर्म में नहीं है, इन दोनों का हमें निकालना है, तो हेड टेल सिस्टम का फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए यहां पर ये लिखना गलत हो जाएगा, ये अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर देंगे, कहां से कहां तक, ये डायरेक्शन जो होगी वो एक्सटेंड कर देंगे यहां तक। अब ये देखिए ये टेल से टेल है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हम कर देंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका ऐसे निकलेगा, ये सेम डायरेक्शन हो गया, है ना, ये सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। अब ये यहाँ पे टेल से टेल और हेड से हेड जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, तो अब इसका टेल से टेल और हेड से हेड जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो वेक्टर निकलेगा ये हमें निकालना है, ये जो है ये रिजल्टेंट देगा, दैट विल बी बेसिकली क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाई वुमेन, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होगा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा, ये ओरिजिन है, आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो इधर की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सटेंड करें। तो यहां पर अब ये कितना होगा ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं बताइए, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये निकल के आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ओवरराइट हो गया है, आप इसके लिए क्षमा करेंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, राइट, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट देगा, और ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो ये रिजल्टेंट उसी तरह से निकलेगा जैसे पहले हमने पैरेललोग्राम लगाया है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन ये 40 है तो इधर भी क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड 40 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होगा नहीं, 40 मीटर पर सेकेंड, ये 30 है तो ये 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो आपका ये रिजल्टेंट निकलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना,
दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वुमेन का स्क्वायर। यही हमने सिखाया है आपको, है ना, ये मॉडुलस में दोनों। तो अब इसका चाहे इसका अल्टीमेट जो लिखा था वो यही लिखा था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वुमेन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ वुमेन स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और ये दोनों मिलके हो गया कितना, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2500 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसको रेन की स्पीड अपीयर होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। हालांकि यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, यहाँ डायरेक्शन बतानी थी कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगी। तो मान लेते हैं कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता तो हम ऐसा निकाल लेते, ठीक है ना। ये जो है अब ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगी, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगी ये हमें बताना था, ठीक है। तो ये थोड़ा बना दिया ऐसे, तो मान लेते हैं कि उसने जो डायरेक्शन है अम्ब्रेला का वो यहां से यहां तक थीटा एंगल है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगी, तो वर्टिकल से ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, बोलिए ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसमें टैन थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, वही वी बाई वी है जैसे कर रहे थे, तो ये क्या होगा, ये 40/30, 40/30 यानी थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है ना, टैन थीटा हो गया 4/3, और टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को हम लिख सकते हैं, एक देखिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है जो आपको बताना हम चाहेंगे कि कहीं पर भी अगर ट्रेंगल है, ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे बना देता हूँ, एक ट्रेंगल है तो इस ट्रेंगल के 30 डिग्री और 57 डिग्री का एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, आपके ये बहुत काम आएगा। ये है अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या होता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में ये अगर 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, है ना, 53 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है, दोनों मिलकर 90 होने चाहिए, तो ए बी सी। अब ये क्या होता है कि ये 37 है तो ये होगा 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। 37 के साथ यानी साइन 37 अगर कहीं कोई का है तो ये क्या लिख देंगे, साइन 37 का मतलब 3/5, ठीक है ना, 3/5, ठीक है, ये याद रहे। कॉस 37 निकालना होगा तो 4/5, टैन 37 निकालना होगा तो 3/4, और 4/3 है इसका मतलब 53 है ना, तो 53। इसी तरह से अगर साइन 53 निकालना होगा तो क्या लिख देंगे, 4/5। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद रखें, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बट बहुत एक्यूरेट होती है, इसलिए कहीं भी 37 हो तो उसके साथ वाला नीचे वाला 4, सामने वाला 3 और राइट एंगल के सामने वाला 5 है। तो अगर 3/4 लिखा है तो इसका मतलब टैन 37 है, अगर 4/3 लिखा है तो टैन 53 है, ये समझ लेंगे। इसी तरह से कॉस 53 लिखा है तो इसका मतलब 3/5 है, साइन 53 है इसका मतलब 4/5 है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर 4/3 है, 4/3 का मतलब क्या हुआ कि टैन ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 53 डिग्री, है ना, ये हो गया आपका 53 डिग्री, 53 डिग्री थीटा हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ 53 डिग्री, ठीक है ना। एंड सी शुड होल्ड अम्ब्रेला अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है ना, ये हुआ वर्टिकल। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है और डायरेक्शन। तो आइए वेक्टर फॉर्म से सीखते हैं, रेन जो है वो फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ये अगर ओरिजिन है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी, और ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं,
तो नीचे से आपने पढ़ा हुआ है पहले वेक्टर एडिशन में कि ये जो होता है, ये अगर ओरिजिन है मान लीजिए, तो यहाँ पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग करते हैं, तो ये ओरिजिन है, तो इधर की ओर होता है वेक्टर आई, एक्स एक्सिस के अलोंग आई, इधर की ओर होता है वेक्टर आई, इधर की ओर होता है वाई एक्सिस के अलोंग जे, जे होता है इधर की ओर, है ना, वाई एक्सिस जे। और तो इधर रेन नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब रेन की डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब रेन जो फॉल हो रहा है वो -30 J के स्पीड से हो रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन इज -30 J, इस तरह डायरेक्शन। और वुमेन चल रही है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है, यानी वुमेन की स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन इज -30 I, इधर की ओर है। अब माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन निगेटिव अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चल रही है, आई इधर होता है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये इधर की तरफ हो जाएगा 30 I। अब यही जो है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाई वुमेन इन दोनों का सम, सो व्हाट इज दैट, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाई वुमेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, यही चीज हमने किया था, ध्यान समझिए, ये किया था हमने कि इसको डेफिनेशन ये है, लिख देता हूं दोबारा कहीं समझ में ना आए, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन एंड दिस इज नथिंग एल्स बट वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ से वही होगा जो पहले किया था, सेम ये होगा वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से, ये 40 है और ये 30 है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन जो है वो 40 है और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 30 है, तो ऐसा होगा, तो इस तरीके से इसका ये रिजल्टेंट होगा, और इस रिजल्टेंट में हम लिख देते हैं फिर, ये है रेन की, है ना, और ये है वुमेन की स्पीड, इस तरह से हम निकाल रहे हैं, तो वुमेन की स्पीड का ये हो गया माइनस ऑफ कौन सा, माइनस ऑफ वी हो, है ना, तो इस तरीके से आप अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पीड दिया हुआ है ये है कितना, 40 है, ये 40 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40, वेलोसिटी ऑफ वुमेन जो है वो 40 है, तो ये हो जाएगा 40 I, 40 I -30 J, यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इज इक्वल टू 40 I -30 J, यही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय वुमेन, दैट इज दिस वेक्टर, सो ओ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ये डायरेक्शन भी देगा मैग्नीट्यूड भी देगा। अब इसमें वेलोसिटी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 50 m/s, आपने पढ़ा होगा, पहले हमने बताया है कि अगर कोई वेक्टर आर है और ये एक्स आई प्लस वाई जे होता है तो मॉडुलस ऑफ आर निकालने का क्या तरीका होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बात आपने सीखा है, तो इसी आधार पे यहाँ पे हमने निकाल दिया, तो 50 + 30 हो गया। एंड डायरेक्शन भी क्या होता है, अगर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है तो इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस साथ टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लिखते थे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस साथ, और अगर वाई एक्सिस के साथ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस के साथ टेन थीटा, यानी ये निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता था, हमने आपको सिखा रखा है वाई बाई एक्स, इसमें ये वेयर थीटा इज एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, थीटा इज एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, और अगर टैन थीटा एक्स बाई वाई करें तो यहां होगा थीटा इज एन एंगल ऑफ विथ वाई एक्सिस, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर थीटा इज एन एंगल विथ वाई एक्सिस, एंगल विथ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, तो ये होता है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा चीज बना दिया, ये पुरानी नॉलेज है जिसको हमने रिव्यू के तौर पे लिख दिया, आप इसको ध्यान से रख समझे, ठीक है, आप चाहते हैं कोई भी एक लगाएंगे दूसरा निकल जाएगा, यस, देखिए हमने अगर इसके साथ ही थीटा अगर लगा लिया, पुराना ही एंगल लगा लेते तो ये थीटा होता, तो
क्या होता है, दिस अपॉन दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये अगर 30 है तो ये भी 30 है और ये 40 है, तो 30 अपॉन 40, टेन थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 40, ये हो गया 3/4। 3/4 का मतलब 37 डिग्री, तो ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ गया यहाँ पे। थीटा 37 डिग्री विथ होराइजन, हॉरिजॉन्टल, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ गया विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी विथ एक्स एक्सिस, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, ठीक है ना। और अगर ये 37 है तो ये ग्राउंड के साथ ये 37 होगा, ये 37 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 37 अगर हो गया तो ये 53 हो जाएगा, तो विथ 53 डिग्री विथ द वर्टिकल। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो सीधे क्यों ना इसे ही निकालें कि थीटा अगर वर्टिकल के साथ बनाना है, निकालना ही यही है, ये निकालोगे और कहीं गड़बड़ हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल दोगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा वो निकालना चाहिए जो जरूरत है, जो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर थीटा है, ठीक है, ये थीटा निकालना है तो आप थीटा यहाँ पे निकाल लीजिए कि कितना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए सामने वाला ये है 40, ये है 30, तो आप लिख सकते हैं ये 40/30, और 40/30 का मतलब होता है 4/3, और 4/3 हो गया ये, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ऊपर हमने समझा रखा है। तो ये 53 डिग्री, यही मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा, तो वेक्टर फॉर्म से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े ही आराम से। आप चाहे वेक्टर लगाएं, चाहे इस तरह से मैग्नीट्यूड वाइज कर लें, दोनों में से कोई भी तरीका आप करेंगे सही है। ये वेक्टर मेथड है और वो एनालिटिकल मेथड है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों में कंसेप्ट सेम है ना। 53 डिग्री, सी शुड होल्ड अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो यहीं पे ये बात आ गई, सी शुड होल्ड अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल, ठीक है। जेई की क्लास में हम इसमें और बहुत सारी, जेई के लिए हम बात करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज की बात करेंगे, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है क्वेश्चंस के, उसकी चर्चा हम उस क्लास में करेंगे। फिलहाल ये स्कूल के लेवल पे जो कंसेप्ट जरूरी है वो हमने इसमें बताया है, और जो बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है वो इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और इसको कैसे करते हैं। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको और एक बार में याद हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। एक या दो बार वीडियो को तुरंत तुरंत देखें तो फिर ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए 2 या 3 बार की रिविजन जरूरी होती है। तो आप एक दो बार इसे और देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, समझ तो आ ही गया होगा, याद हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन की डिफरेंट वैरायटी जो होगी, न्यूमेरिकल्स, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस होगा। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपका दिन शुभ हो, और जो भी आप काम करें अच्छी लगन से करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।